लॉकडाउन के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को अभूतपूर्व स्वास्थ्य और मानवीय संकट बताते हुए कहा कि यह हमारे सामने डराने वाली चुनौती है, लेकिन इससे पार पाने का हमारा संकल्प अधिक बड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि खराब ढंग से लॉकडाउन लागू किए जाने की वजह से लाखों श्रमिकों को तकलीफ उठानी पड़ी। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए लगातार और विश्वसनीय जांच का कोई विकल्प नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट की जरूरत है। उन्हें N95 मास्क जैसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट युद्ध स्तर पर उपलब्ध करवाए जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।